मुख्यालय लालचोट के ग्राम मंडावरी में आदर्श विद्या मंदिर मंडावरी समिति द्वारा दौसा सांसद जसकौर मीणा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनका शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया। सांसद जसकौर मीणा संबोधन में कहा कि मंडावरी मेरी जन्मस्थली रही है, विकास के कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। भारत सरकार के प्रत्येक घर जल घर नल के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायत मंडावरी क्षेत्र के संबंधित ग्रामीणों ने राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालचोट के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सैनी आजाद की अगुवाई में चार सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांग थी कि मंडावरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलना, मंडावरी में बाईपास निकलवाना, मंडावरी में गौशाला का निर्माण करवाना, पेयजल की पाइपलाइन डलवाना मंडावरी में। इस दौरान रामराज महावर भाजपा मंडल अध्यक्ष मंडावरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सैनी आजाद, रामराज सोनी, कैलाश मोदी, घनश्याम बजाज, रामतार मीना, नेमड़ीवाला मुकेश घीवाला, मुरारीलाल गोयल, राम खिलाड़ी मीना, भाजपा मंडल महामंत्री राधे बिहारी, रामतार चौधरी, कमलेश अग्रवाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नल से जल मिलेगा, नल से जल मिलेगा, अब कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पूरा दौसा जिले के 1172 गांव, 1072 गांव और बामनवास तहसील के और बौनी तहसील के 162 गांव ये ईसरगा बांध से योजना से जुड़ चुके हैं। ईसरगा के बांध पर अभी 15 दिन पहले मैं खुद गई हूँ और उस बांध के इंजीनियरों से मेरी बात हुई है, वहाँ मैंने मीटिंग की है कि वो ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फरवरी 23 तक दौसा जिले के 1072 गांवों को नल से जल मिलेगा। ये काम हुआ जब आपने वर्षों तक पानी के लिए तरस लिए, तो आप भारत की सरकार को 6 वर्ष ही तो या इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार ने कभी गांव की सुध नहीं ली। मैं अब यहाँ कांग्रेस बीजेपी यदि बात करने लगूंगी ना तो मैं इतनी कमियां बता दूंगी, लेकिन उन कमियों पर चर्चा करने से समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है।